नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोसेस में। दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा यहां पर एक बैंक बेसिक प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से यहां पर अपने सर्विसेज को यहां पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अपना यहां पर अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको मालूम होगा कि यहां पर बैंक बेसिक अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा मिल जाता है तो यहां पर आपको यहां पर आधार सेंटर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से आप आधार सेंटर भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा यहां पर बैंक बेसी आप आसानी से कैसे ले सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बैंक बेसी लेने के लिए पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता था ब्रांच जा करके, लेकिन दोस्तों अभी एक यहां पर नया अपडेट आ रहा है कि आप यहां पर आसानी से घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कीजिए और आपका यहां पर बैंक बेसी के लिए आपको अप्रूवल भी मिल रहा है। तो कैसे यहां पर आपको अप्लाई करना है, किस लिंक के माध्यम से करना है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में यह भी जानकारी बताई जाएगी कि अगर आप बैंक बेसिक के लिए अप्लाई कर देते हैं, आपको बैंक बेसिक मिल जाता है, तो कौन कौन सी सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सर्विसेज रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आइएगा तो नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पार्टनर विद अस पर। यहाँ पर पार्टनरशिप विद अस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर के आया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपको मिस्टर मिसेज जो भी यहाँ पर आप लगाना चाहते हैं लगा करके फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिलअप करना है, एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है, एड्रेस वही एड्रेस फिलअप करना है जो एड्रेस पर आप अपना पोस्ट ऑफिस का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं। और एक बात दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर वही एड्रेस फिल कीजिएगा जहाँ पर आपका आपके आसपास में कहीं पर भी बीसी पॉइंट ना हो, तभी दोस्तों यहाँ पर आपको बीसी पॉइंट आपको मिलने का चांस है। तो आप वही एड्रेस फिल कीजिएगा जहाँ पर आपका बीसी पॉइंट पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट नहीं है, वहाँ का एड्रेस फिल कीजिएगा। एड्रेस फिल करने के बाद अगर आप कुछ अलग से एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है, यह कैप्चा कोड दिया गया है, यह कैप्चा को फिल करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जो एड्रेस दिए रहेंगे उस एड्रेस के मेन ब्रांच पर दोस्तों आपका ये रिक्वेस्ट चला जाएगा। ये दोस्तों पहले यहाँ पर ऑफलाइन माध्यम से ये फॉर्म फिलअप होता था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब इसे ऑनलाइन माध्यम से बैंक बीसी के लिए यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए ऑनलाइन माध्यम से एक्सेप्ट फॉर्म कर दिया गया है। तो आप भी यहां पर अपना ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद उधर से रिटर्निंग आपको कुछ मैसेज या फिर कॉल आएगा, उसके बाद यहां पर दोस्तों आपको बैंक बीसी प्रोवाइड करने के लिए आपका सारा प्रोसेस होगा। बाय द वे दोस्तों, यहां पर अगर आपका कोई भी यहां पर कॉल या फिर मैसेज नहीं आता है तो समझिए तो वहां पर पहले से ही बैंक बीसी के लिए अप्लाई है, अन्यथा दोस्तों नहीं वहां पर अगर आपका अप्लाई है तो दोस्तों आप एक और काम कीजिएगा, सर्च बॉक्स पर आइए, यहां पर बीसी टाइप करके यहां पर सर्च कीजिएगा। बीसी टाइप करके यहां पर सर्च कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने एक रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में दोस्तों आपको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिखेगा इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक पेज ओपन हुआ है। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ पर बैंक बीसी ओपन कर सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर जो साइबर कैफ़े चलाते हैं वो लोग भी यहाँ पर अपना बैंक बीसी इंडिविजुअल ओपन कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक अप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इस पर क्लिक हियर पर क्लिक कीजिएगा, अप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुल करके आ जाएगा। इस अप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद साथ में अपना यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट अटैच करना है। डॉक्यूमेंट के साथ साथ यहाँ पर आपको फोटो अटैच करना है, सारा चीज़ को फिलअप करना है, सिग्नेचर करना है। उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे एक यहाँ पर सर्किल या फिर ब्रांच का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें यहाँ पर आपको अपना मेन ब्रांच फाइंड करना है जहाँ पर दोस्तों आपको यह बैंक बीसी लेना है, उसका मेन ब्रांच यहाँ पर फाइंड करना है।
मेन ब्रांच फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन में स्टेट चूज करना है। स्टेट चूज कीजिएगा तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पूरा रिजल्ट शो कर जाएगा। जैसे कि बिहार में टोटल 38 ब्रांच हैं, तो यहाँ पर 38 ब्रांच का यहाँ पर पूरा लिस्ट आपके सामने शो कर गया है। तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपको लेना है, आपको वो डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेना है, उसका मेन ब्रांच यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं उसका मेन ईमेल आईडी यहाँ पर शो कर रहा है, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पर एड्रेस पूरा शो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करना है, स्कैन करना है, इसके साथ साथ आपको एक PDF अटैच करना है। PDF में आपको यहाँ पर आपका फॉर्म रहेगा, आपका डॉक्यूमेंट जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पर आपको नीचे दिया गया, ये डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है और इस मेल पर आपको मेल कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करना है। अगर ये आपका ऑनलाइन वाला रिक्वेस्ट नहीं आता है तब की बात मैं दोस्तों बता रहा हूँ। अगर ऑनलाइन वाला में काम हो जाता है तो आपका ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से आप मेल कीजिए। मेल करने के बाद दोस्तों ये जो आपका एक एड्रेस है इस एड्रेस पर जाइए और बाई हैंड आप वहाँ पर करके बैंक वीसी के लिए डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। यहीं से दोस्तों आगे की जानकारी आपको पूरी मिलेगी, तो आप एक बार मेन ब्रांच विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद दोस्तों आपका बैंक वीसी अगर ओपन हो जाता है तो आपको यहां पर आधार सेंटर भी मिल सकता है। वहां पर दोस्तों बैंक वीसी के द्वारा आप यहां पर आधार सेंटर भी आसानी से ले सकते हैं। यही तो छोटी सी अपडेट दोस्तों आपको इस वीडियो में। अब यहां पर दोस्तों मैं यहां पर आपको बता दूं कि इसमें अगर आप बैंक वीसी ले लेते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज का आप लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप बैंक वीसी ले लेते हैं तो आप इतना सारा सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। कैश विड्रो, आधार सीडिंग, यहाँ पर बिजली बिल पेमेंट, भीम UPI, वर्चुअल डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस का सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस, यहाँ पर बहुत सारे सर्विसेज है जिसका लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार मोबाइल अपडेट का भी यहाँ पर है, चाइल्ड इनरोलमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो इस तरह का सर्विसेज का आप यहाँ पर आसानी से लाभ उठा सकते हैं। तो आप जाइए जाकर के बैंक वीसी के लिए अभी ऑनलाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा।